बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल माय एफर्ट्स। तो आज मैं बना रही हूँ अपने चैनल पर एक न्यू रेसिपी, एक मज़ेदार सी रेसिपी चिकन कढ़ाई की, जो बहुत ही मज़े की और यम्मी बनती है, और मैं अपने स्टाइल से आज बना रही हूँ। वैसे तो ये बहुत सारे तरीक़ों से हर कोई अपने अपने तरीक़ों से इसको बनाता है, कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल बनाता है, लेकिन आज मैं अपने तरीके से बना रही हूँ जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन है, और इसके मैंने ऐसे बड़े बड़े तकरीबन पीसीस करवा लिए हैं। 2 अदद के करीब प्याज है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये देखें इस तरह। इसके साथ मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका मैं छिलका जो है वो उतारूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून के करीब जो है कुटा हुआ भुना हुआ धनिया है, 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 कप के करीब जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1/2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और 3 हरी मिर्चें ली हैं साबुत, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दही लिया है। अब हम ड्राई मसालों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जो है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च पिसी हुई ली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून के करीब जो है मैंने साबुत गरम मसाला लिया जिसमें दालचीनी, लौंग और काली मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक जो है आप टेस्ट टू अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप हम अपना करते हैं। देगची के अंदर मैंने ऑयल को डाल दिया है, ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन भी नहीं करना है और ना ही गोल्डन करना है, बस हमने इसको थोड़ा सा गुलाबी कलर देना है, पिंक कलर देना है, प्याज थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाए, इतना हमने प्याज को कुक करना है। ये देखें प्याज अच्छे से इसमें कुक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी प्याज। इसके बाद हम ये साबुत गरम मसाला जो था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आप कह लें कि मेरी ओन अपनी इन्वेंशन है जो कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी फैमिली में मैं अपने तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की बनती है। इसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, और मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को इसके अंदर। आँच को हमने मीडियम रखना है। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर सारा, और हम इसको अच्छे से प्याज और अदरक लहसुन में भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। पानी वगैरह हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। चिकन हमारा ज़बरदस्त सा इसके अंदर कुक हो रहा है बिल्कुल स्लो आंच पर। अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसमें भूनेंगे। हल्दी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, देखें, और साथ ही मैं इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन के साथ इसको एक बार और हल्दी के साथ आप भून लें अच्छा सा। झटपट से ये बन जाती है क्योंकि चिकन का जो मीट होता है वो वैसे ही इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता पकने में, और एक यूनिक और ज़बरदस्त सा इसका यमी टेस्ट आता है। आप मेरे इस मेथड से इसको ट्राई करें, चिकन कढ़ाई को, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें इसमें ज़बरदस्त से बबल्स आना शुरू हो गए हैं ऑयल के अंदर। अब यहाँ मैंने टमाटरों का छिलका उतार के साबुत टमाटर ही इसके अंदर पकने के लिए रख दिए हैं। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर देखें टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए, देखें सॉफ़्ट हो गए टमाटर हमारे। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे।
अब इस कंडीशन पर हम इसके अंदर सारे अपने मसाले ऐड करेंगे जो हमारे पिसे हुए मसाले थे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर सारे अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ये देखें तमाम मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दें। सारे पिसे हुए मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बार और। ये देखें कितना खूबसूरत इसमें कलर आ गया है। पहले इतना ये रौनक व नहीं आ रही थी सालन के अंदर जो है चिकन के कढ़ाई में, लेकिन आप देखें मसाले डलते ही इसमें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। चार से पाँच मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही पकने दिया है हल्की आंच पर, और ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया था इसमें। यहाँ मैं टमाटरों का मैंने जो था निकाले जो थे टमाटर मैंने उसको मैं पेस्ट बना लूँगी ज़बरदस्त सा ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के। अब मैं पेस्ट जो था वो मैं इस चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त सा एक कलर आ गया इसके अंदर। आप इस तरह पका के डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो टमाटरों का अलग ही आता है। जब हम थोड़ा सा इसको 3 से 4 मिनट हमने इसको कुक किया था फिर इसका ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना के डाला तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसको पकाया था। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब इस कंडीशन में मैं दही को फेंट के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हाफ़ कप के करीब जो था वो थोड़ा सा बल्कि उससे ज़्यादा ही दही था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी तेज़ आंच करके, क्योंकि जो चिकन है वो हमारा ऑलमोस्ट जो है कुक हो गया है और इसका मीट जो है वो टेंडर भी हो गया है काफ़ी। तो अब मैं इसको तेज़ आंच पे बस इसकी भुनाई करूँगी, और हमने ग्रेवी जितनी रखनी होगी हम उतनी इसमें ग्रेवी रख लेंगे। अब देखिए मैंने तेज़ आँच पर इसको भून रही हूँ और ज़बरदस्ती इसकी भुनाई हो रही है। ऑयल एक तरफ हो गया है देखें, और चिकन का जो कलर है वो भी कितना ज़बरदस्त आया है और मसाला भी बहुत ज़बरदस्त इसका बना है। ग्रेवी जो है वो एकदम रेडी है इसकी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ग्रेवी रख सकते हैं, या मैं भुना हुआ कुटा ज़ीरा और धनिया वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और इसको एक बार और अच्छे से मैं भून लूँगी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं देखें इसके अंदर। हरी मिर्चें साबुत इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और अदरक काट के डाल दी है मैंने इसमें बारीक बारीक। ये देखें इसकी ग्रेवी रेडी हो गई है। इतनी ही मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए होती है। कुछ लोग होते हैं वो इसको बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, कुछ ग्रेवी से पसंद करते हैं इसके अंदर, तो मैं इतनी ही ग्रेवी इसमें रखती हूँ। यहाँ मैंने हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अब दम में लगा दूंगी। ये देखें मैंने डिश आउट कर लिए चिकन कढ़ाई, और कितना ज़बरदस्त और मज़े की ये बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू एफ़र्ट और एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे किचन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।